नमस्ते दोस्तों, कई मरीज हमसे ये प्रश्न करते हैं कि डॉक्टर साहब गर्म सेक करना चाहिए कि ठंडा सेक करना चाहिए। तो आज हम ये वीडियो इस पे बना रहे हैं। ठंडा सेक का मतलब होता है बर्फ से सेक, जो आप बर्फ को एक प्लास्टिक की थैली में भरते कर सकते हैं, यस बाजार में रेडीमेड आइस पैक्स आते हैं उनके साथ कर सकते हैं। ठंडा सेक आमतौर पर किसी भी चोट में, सूजन में और एकदम से जो आपको तकलीफ हुई, जिसको हम एक्यूट तकलीफ बोलते हैं, उसमें लाभकारी होता है। तो किसी भी कारण से अगर आपको एकदम से सूजन आ गई है, कोई चोट लगने के कारण, कोई सर्जरी होने के कारण या किसी और कारण से, तो ठंडा सेक आपके लिए लाभकारी। ये लाभकारी क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जो बर्फ होता है वो ठंडेपन के कारण उतने हिस्से को सुन्न कर देता है, तो आपका दर्द जो है वो कम हो जाता है। ये पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। दूसरा, ठंडा सेक या बर्फ आपके उस एरिया में जहां हम उसको लगाते हैं वहां पे खून का बहाव कम कर देता है, क्योंकि जो खून की धमनियां होती हैं वो स्पाज़म में चली जाती हैं, तो वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसके कारण से सूजन और अगर आपकी जो तकलीफ है, जो लाली है, वो कम हो जाती है। तो ये दो मुख्य मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं जिससे ठंडा सेक हमें लाभकारी होता है। तो किसी भी एक्यूट चोट में, किसी भी ऐसी सूजन में जो एकदम से आई है, हम ठंडा सेक कर सकते हैं। ठंडा सेक दो कंडीशंस में नहीं करना चाहिए। पहला, अगर आपको किसी भी तरह की न्यूरोपैथी है, मतलब आप ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि चीज ठंडी है या गर्म है, तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कई लोगों को जिनको न्यूरोपैथी है या जिनको डायबिटीज है और वो बर्फ का सेक करते हैं तो उनको कोल्ड बर्न्स हो जाते हैं, वो हिस्सा बर्फ की वजह से खराब हो जाता है, जल जाता है। तो खास तौर पे उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर किसी भी मरीज को ब्लड क्लॉट्स की तकलीफ है, डीवीटी है, तो उसको भी बर्फ का सेक नहीं करना चाहिए। बर्फ का सेक करने से, जैसे मैंने कहा, आपको दर्द में आपको राहत मिलती है, आपकी जो सूजन है वो सूजन कम हो जाती है, लाली जो है वो लाली कम हो जाती है, और आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाती है। तो अगर आप कोई हैवी एक्सरसाइज करके आए हैं, आप लॉन्ग मैराथन दौड़ के आए हैं, लंबे स्पोर्ट्स के बाद आप अगर आप आए हैं और आपकी मांसपेशियां दर्द कर रही हैं, तो आप बर्फ का सेक डेफिनेटली इन कंडीशंस में कर सकते हैं। अब हम आते हैं गर्म सेक के ऊपर। गर्म जो सेक है वो आपको ऐसी बीमारियों में जो लंबे टाइम से हैं, जिनको हम क्रॉनिक बीमारियां बोलते हैं, उनमें लाभकारी होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पुरानी बीमारियां आपको चली आ रही हैं, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है या कोई और दर्द है जो लंबे टाइम से है, उसमें गर्म सेक ज्यादा लाभकारी होता है। गर्म सेक का जो मैकेनिज्म होता है वो किस तरह से एक्ट करता है कि जब भी हम गर्म सेक करते हैं तो वो एरिया में जो खून का बहाव है वो बढ़ जाता है, और जब खून का बहाव बढ़ जाता है तो उस हिस्से में हीलिंग प्रमोट होती है, तो जो रिकवरी है वो जल्दी आती है। खास तौर पे अगर आपकी मसल्स, जो मांसपेशियां हैं, वो स्पाज़म में चली गई हैं, आपके जोड़ स्टिफ हो गए हैं और आपकी बॉडी में टाइट फील हो रहा है आपको, तो उन कंडीशंस में गर्म सेक आपको बहुत अच्छा रिलीफ देता है। अगर आपकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द और अकड़ा आ गई है, तो गर्म सेक आपके लिए बहुत अच्छी मॉडलिटी है। गर्म सेक आमतौर पर दो तरह का होता है, एक ड्राई और एक वेट। ड्राई मतलब सूखा, वेट मतलब गीला। ड्राई सेक जो होता है वो कंडक्शन पैटर्न से काम करता है और उसमें हम कई बार हीटिंग पैड्स देते हैं, और जो वेट या थेरेपी होती है वो कन्वेक्शन से काम करती है, उसमें हम स्टीम या तो स्टीम टॉवल या तो फिर मॉइस्ट हीट पैड्स यूज करते हैं। वापस जिस तरह से हमें कुछ कंडीशन में बर्फ का सेक नहीं करना चाहिए, उसी तरह से स्पेसिफिक कंडीशन में गर्म सेक भी नहीं करना चाहिए। खास तौर पे जिनको न्यूरोपैथी की तकलीफ है, डायबिटीज है, क्योंकि अगर आप गर्म सेक करेंगे उस एरिया पर और वो एरिया में आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि गर्म है कि ठंडा है, तो वहां पे बर्न हो सकता है, वो एरिया जल सकता है। खास साथ ही साथ अगर आपको ब्लड क्लॉट्स की तकलीफ है, डीवीटी की तकलीफ है, तो भी आपको गर्म सेक नहीं करना चाहिए। और किसी तरह का डर्मेटाइटिस या शरीर पे एलर्जी है तो भी आपको गर्म सेक नहीं करना चाहिए। अगर आपको ठंडे और गर्म सेक के बारे में और कोई भी और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।